आप सभी का मेटामॉर्फोसिस में मैं साहिल फिर से स्वागत करता हूं। एक बात आती है कि यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहो। इसी निरंतरता की घड़ी में आज हम मैं आपके सामने अगला टॉपिक लेकर आया हूं, जो है इब्न बतूता। काफ़ी फेमस राइटर है, इसके बारे में बहुत सी चीज़ें आप जानते ही हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो नेट में इब्न बतूता से संबंधित बनते हैं या बने हैं, जैसे इब्न बतूता ने किस दिन जो है अपना घर छोड़ा था, ये किस जाति से संबंधित थे, किसने MBT के साम्राज्य को सिंध व हिंद करके संबोधित किया है, किस पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, ठीक, कौन ऊँट की पीठ पर तीर लादते हुए एक व्यापारी के रूप में भारत आया था, इस तरीके से यहाँ के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं इब्न बतूता की। एक क्वेश्चन 2019 में इब्न बतूता से भी बना है, जो इब्न बतूता वर्णन करता है भारत में कलम लगाने का या पेड़ों का, आम के पेड़ों का, उससे भी एक क्वेश्चन बना है। तो हमें जब हम नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें किसी भी टॉपिक को काफ़ी डीप तरीके से पढ़ना पड़ता है, उसके हर एक कोटेशन, वो कहाँ कहाँ गया, उसने किस किस का जिक्र किया है, उन सबको देखना पड़ता है, तब जाके हम उसके सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसी को लेके आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इब्न बतूता। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसका जो मूल नाम था इब्न बतूता का, वो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि इब्न बतूता इसके कुल का नाम था और अब्दुल्ला इसकी गोत्र थी। ठीक, भारत में जब ये आए तो ये भारत में मौलाना बद्रुद्दीन के नाम से विख्यात हुए और पूर्वी देशों में इन्हें शेख शमशुद्दीन के नाम से जाना गया। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि भारत में इब्न बतूता किस नाम से विख्यात थे या पूर्वी देशों में इब्न बतूता किस नाम से जाने जाते थे। भारत में मौलाना बद्रुद्दीन और पूर्वी देशों में शेख शमशुद्दीन के नाम से ये विख्यात थे। ठीक है, इनका जो जन्म है वो मोरक्को के तंजियर में हुआ था, जो इनका मूल निवास स्थान था, ये अफ्रीका में है। ठीक है, मोरक्को के तंजियर में हुआ था जो इनका मूल निवास स्थान था। इनकी मृत्यु 1377-78 में मोरक्को के फ्रेज या फ्रास, कहीं पे फ्रेज मिलता है कहीं पे फ्रास सा लिखा मिलता है, ठीक है, फ्रेज या फ्रास में 73 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है रेहाला यानी यात्री विवरण, इसकी इनकी इस पुस्तक को तुह फुतुनजार की गराइबिल अमसार व अजायबुल अफसार या रेहाला भी कहते हैं। इनकी पुस्तक को तुह फुतुनजार की गराइबिल अमसार व अजायबुल अफसार या रेहाला भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया, यानी रेहाला का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया, वो सबसे पहला अनुवाद सेनू अल ली ने किया और दूसरा जो इसका अनुवाद किया वो HR गिब्स व रेवेरेंड ने किया था। ठीक है, बाद में मेहंदी हुसैन ने भी द रेहाला ऑफ इब्न बतूता नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, इनकी किताब का यानी रेहाला का फ्रांसीसी अनुवाद यानी फ्रेंच भाषा में अनुवाद जो है दे फ्रेमरी अग्गेर सेन गुनेती, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, दे फ्रेमरी अग्गेर सेन गुनेती ने किया था। ठीक, आगे बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता को मध्य युग का सबसे बड़ा यात्री जो है स्वीकार किया गया है। इस बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी 30 वर्ष की कुल यात्रा में 77,642 मील तक की जो है यात्रा इन्होंने संपन्न की थी। उत्तरी अफ्रीका से इन्होंने भारत की ओर प्रस्थान किया। अभी हाल ही में
यूपी पीजीटी के पेपर में पूछा गया था कि इब्न बतूता ने किस जगह से भारत की ओर प्रस्थान किया था। उसमें ऑप्शन थे पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तरी अफ्रीका से इन्होंने भारत की ओर यात्रा की। भारत में ये कुल 14 वर्ष रहे, जिसमें से 8 वर्ष इन्होंने दिल्ली में व्यतीत किए। ठीक है, इन्होंने जब ये वापस गए, यहाँ से वापस गए, तो इन्होंने मोरक्को के एक सुल्तान हैं जिनका नाम है अबू इनान। मोरक्को के एक सुल्तान है अबू इनान, इनके दरबार में इन्होंने जो है अपनी जो है यात्रा विवरण बोल बोल कर, एक व्यक्ति है जिनका नाम है इब्न जुजाय। ठीक, तो इन्होंने मोरक्को के सुल्तान अबू इनान के दरबार में अपने यात्रा विवरण जो है बोल बोल कर इब्न जुजाय को लिखाए, जो अरबी भाषा में है। ध्यान रखना अरबी भाषा, ठीक है, जो अरबी भाषा में है। एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाता है कि इब्न बतूता के विवरणों को किसने संकलित किया, वो है इब्न जुजाय ने। ठीक है, और इनका जो ये कार्य है वो 9 दिसंबर 1355 को पूर्ण हुआ था। ठीक है, मेहंदी हुसैन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इनकी किताब को इतिहास के खान की संज्ञा दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। जो जो टॉपिक, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर जब वहाँ डेप्थ में कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक, आगे बात करते हैं इब्न बतूता के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो थे वो पर्यटक जाति से संबंधित थे। ठीक है, पर्यटक जाति से संबंधित थे। ध्यान रखना 1322 में, ठीक है, 21 या 22 वर्ष की अवस्था में, 21 या 22 वर्ष की अवस्था में गुरुवार को, बहुत जगहों पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, और डेट भी पूछी गई थी। ठीक है, तो 1322 में 21 या 22 वर्ष की अवस्था में गुरुवार को जो है इन्होंने अपना घर छोड़ा था। ठीक है, रास्ते में ये ऊँट की पीठ पर तीर लादते हुए, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, रास्ते में ये ऊँट की पीठ पर तीर लादते हुए भारत की ओर आए, और 1233 में ये सिंध पहुँचे, और 1234 में ये दिल्ली पहुँचे। मुल्तान से जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में इनके कारवां पर डाकुओं का हमला भी हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो है इब्न बतूता MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को के लिए सिंध या हिंद शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, कौन सा वो लेखक है जो मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य को सिंध व हिंद करके संबोधित करता है। ठीक है, जब ये MBT के दरबार में आए तो MBT ने इन्हें 1200 रुपये टंका प्रतिवर्ष देकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया, और मुबारक खिलजी द्वारा स्थापित धर्मादय का प्रबंधक और मुबारक खिलजी के मकबरे का रखवाला भी इसको नियुक्त किया गया था। इस पद पर जो है इब्न बतूता 8 वर्ष तक रहा। बाद में इस पे जो है वहाँ भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, बाद में MBT ने जो है इसको माफ़ वगैरह कर दिया था। क्वेश्चन ये बनता है कि किस लेखक पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था, तो वो था इब्न बतूता। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 जुलाई 1342 को वह मंगोल शासक के पास दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में, ठीक, 21 जुलाई 1342 को वह मंगोल शासक के पास दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में चीन की ओर रवाना हुआ। ठीक है, यह आप लोगों को पता ही है, 1342 कभी कभी डेट छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है। दिल्ली की ओर, चीन की ओर रवाना हुआ। ठीक है, रास्ते में वो अलीगढ़, कन्नौज, ग्वालियर, धार, उज्जैन होता हुआ जो है दौलताबाद पहुंचा। दौलताबाद में इसने वहाँ के बाजारों हजारों का भी उल्लेख किया है, वो उसके यात्रा विवरण में हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये कालीकट पहुँचा।
कालीकट पहुंचा। कालीकट के बंदरगाह को इसीलिए इसने विश्व के चार बंदरगाहों में से एक बताया है, या भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बताया कालीकट को, ध्यान रखना ठीक है। यहाँ से वो कालीकट गया, कालीकट के बाद उसने यहाँ से चीन के लिए एक जहाज पकड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय होगी। इन्होंने अपने विवरणों में बताया भी है इस तरीके से कि मेरा जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मैं काफ़ी दयनीय था, खाने पीने के लिए मेरे लाले पड़े थे, मैंने जो है अपने पगड़ी जो दुपट्टा बांधा था उसको अपने पेट में बांध लिया, मेरे आंसू तक नहीं रुक रहे थे, इस तरीके से इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से मालदीव पहुँचे, मालदीव में 16 या 18 माह तक इन्होंने काजी के पद पर भी कार्य किया। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, 16 से 18 माह मालदीव में काजी के पद पर भी इन्होंने कार्य किया। 1346 में ये असम गए, वहाँ से बंगाल गए, बंगाल से इन्होंने सुमात्रा के लिए जहाज पकड़ा। सुमात्रा के एक शासक थे जिनका नाम था मलिक जाहिर, ठीक। सुमात्रा के एक शासक थे मलिक जाहिर, जिन्होंने इसका स्वागत वगैरह किया और इसके चीन जाने का प्रबंध भी यहीं इन्होंने किया था ठीक। यहाँ से ये चीन के जायतून नामक बंदरगाह पर पहुँचे ठीक है। ये तो इसकी यात्रा विवरण है। एक चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखना कि इब्न बतूता ने अपने संपूर्ण यात्रा वृतांत में अपने आप को दिल्ली के सुल्तान का राजदूत ही घोषित किया था ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यात्रा विवरण का, कि यानी इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में क्या क्या बातें कही हैं समाज के बारे में, इसके बारे में इसको हम इसके बाद बात करते हैं ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके यात्रा विवरण का, कि इसने अपनी यात्रा में किस किस तरीके से जो है उल्लेख किया है ठीक ठीक है। हम बात करते हैं, इसने दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी हिस्से का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी इसने दिल्ली को बताया है। ये बताता है कि दिल्ली में 28 द्वार हैं, ये बताता है कि दिल्ली में 28 द्वार हैं, जिसमें से बदायूं द्वार सबसे बड़ा है ठीक। ये बताता है कि इब्न बतूता ने अपने महल के पास संगमरमर के दो शेर बनवाए हैं, जिसमें घंटियां लगवाई हैं वही न्याय वगैरह के लिए ठीक है। ये बताता है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां इतनी चौड़ी थी जिसमें से एक हाथी तक गुजर जाया करता था ठीक है, इस तरीके का स्टेटमेंट देता है। ये बताता है तुगलकाबाद के बारे में कि तुगलकाबाद सूर्योदय के समय इतनी तेजी से चमकता था कि कोई भी व्यक्ति उसे टकटकी लगाकर नहीं देख सकता था ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एक है अयोध्या, एक है अब रही ठीक है, एक है अयोध्या अयोधन, एक है अब रही। यही इसने इब्न बतूता ने सती प्रथा का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है, इंपोर्टेंट है। ये बताता है कि भारत में सुल्तानों के काल में एक ऐसी प्रथा थी कि वो अपने अमीर के पास एक व्यक्ति रखते थे जो उसकी गुप्तचरी करता था और उसके बारे में जो गुप्त सूचनाएं हैं वो सुल्तान तक पहुंचाता था। ये बताता है कि होयसल शासक बल्लाल तृतीय की सेना में 20,000 मुसलमान थे, यानी मुसलमान सैनिक थे। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण, डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया है, इंपोर्टेंट हो जाएगा। यही बताता है कि इसी के माध्यम से दौलताबाद से गंगा जल जो है एमबीटी के पास आया करता था वगैरह 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 ठीक है। ये दौलताबाद के बाजारों के बारे में बताते हैं कि यहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए, या गायकों के लिए, स्त्रियों और पुरुष गायकों के लिए कुछ बाजार है। एक तराबाबाद, तराबाबाद नामक बाजार है जो काफी सुंदर है और सबसे अच्छे बाजारों में से एक है। यहाँ के बाजार में स्त्री पुरुष गायकों के लिए कालीन वगैरह बिछाई जाती थी। ये शेख फखरुद्दीन को, यानी इब्न बतूता शेख फखरुद्दीन को एमबीटी का गुरु भी बताता है, कहता है कि एमबीटी का गुरु जो था शेख फखरुद्दीन था। ये बताता है कि सुल्तान के दरबार में जब भी कोई अमीर या कोई नया व्यक्ति आता था तो उसे हिदात अल्लाह का उच्चारण करना होता था। ये सेना में स्त्री गुप्तचरों,
रंग रूपों और नर्सों का भी उल्लेख है करता है। यह बताता है कि चीन और मिस्र के समान भारत के न्यायालयों में भी पंजीकरण होता था, लेकिन इसमें स्त्रियों से फीस नहीं ली जाती थी। ठीक है, ठीक है। ये बताता है कि एक बार शेख शिहाबुद्दीन ने सुल्तान पर अत्याचारी शासक होने का एक आरोप वगैरह लगाया था, तो बाद में एमबीटी स्वयं न्यायालय के सामने उपस्थित हुआ था और बाद में इसने दंड के रूप में कुछ बेत वगैरह भी या कुछ मार वगैरह भी खाई थी। एक बार ये क्वेश्चन भी बना था, कौन सा वो शासक था जिसने न्यायालय के सामने स्वयं उपस्थित होकर कुछ बेत वगैरह भी खाए थे। ठीक है, ये बताता है, ये बताता है कि दिल्ली के आसपास अकाल भी पड़ते थे। उसमें से एक अकाल का इसने जिक्र भी किया है कि वो अकाल काफी भयंकर था। उसने इस अकाल के दौरान 3 स्त्रियों को घोड़े का मांस खाते हुए भी देखा। ठीक है, घोड़े का मांस खाते हुए भी देखा। वो बताता है कि वो स्त्रियां उस घोड़े की खाल को नोच नोच कर खा रही थी और यहाँ तक कि इसी घोड़े का मांस जो है बाजार में भी बेचा जाता था। तो ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि नरभक्षी भारत में अकाल के दौरान नरभक्षी होने का उल्लेख किसने किया है, तो इब्न बतूता ने किया है। ठीक है, ऐसा माना जाता है इब्न बतूता प्रथम विदेशी जाति है जिसने बंगाल के इतिहास का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, ये जो है इब्न बतूता बाद में शेख कमालुद्दीन का शिष्य हो गया था। ठीक है, इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार ये दिल्ली का ऋणी हो गया था। ठीक है, दिल्ली में ऋणी हो गया था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका ऋण वगैरह जो है माफ कर दिया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्वर्ग द्वारी स्थापित की तो ये भी उसके साथ किया था, इब्न बतूता भी उसके साथ था। इसने बरहाइच में सलाह मसूद गाजी की दरगाह में सुल्तान के साथ जो है यात्रा की थी। इब्न बतूता एक स्थान से दूसरे स्थान तक तिथियों, दूरियों और दिनों का भी उल्लेख करता है। ये बताता है अपनी यात्रा विवरण में कि जब मैं काजी के तौर पर नियुक्त था तो मैंने काफी स्त्रियों को तालाक वगैरह भी दिलवाया था। ये हनौर में महिला विश्वविद्यालयों का उल्लेख या महिला विद्यालयों का उल्लेख भी करता है। ये अपनी यात्रा काल के दौरान भारत में फूल, फलों, पशु, पक्षियों, पौधों आदि की जो है उनका भी उल्लेख करता है। ये बताता है कि आम का वृक्ष जो है वो नारंगी होता है, काफी बड़ा होता है, इसके पत्ते काफी छायादार होते हैं। ठीक है, यही बताता है कि भारत में आम का उत्पादन आम की गुठलियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था नेट में 2019 के लगभग पूछा गया था ये क्वेश्चन कि आम का इब्न बतूता आम के उत्पादन के बारे में क्या क्या उल्लेख करता है। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इब्न बतूता भारत में फलों, फूलों, पौधों, पशु पक्षियों आदि का जो उल्लेख करता है। वो आम के विषय में बताता है कि आम का वृक्ष जो है नारंगी होता है, काफी बड़ा होता है, इसके पत्ते जो है काफी छायादार होते हैं, लोग इसके छाया के नीचे जो है आराम वगैरह फरमाते हैं और आम का उत्पादन जो भारत में है वो गुठलियों द्वारा किया जाता है, यानी गुठलियों द्वारा आम के पेड़ का उत्पादन किया जाता है। वो भारत में कटहल, जामुन, नारियल आदि का भी जो है विस्तृत विवरण अपने लेख में देता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। बतूता ही बताता है कि एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का जो है स्वागत पान की थाली देकर किया करता था। ठीक है, एंड दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, इब्न बतूता जो है विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों का भी उल्लेख करता है। इब्न बतूता विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों का भी उल्लेख करता है। उसमें पहला है एलेक्जेंड्रिया, उसमें पहला है एलेक्जेंड्रिया, दूसरा है उसमें पहला है एलेक्जेंड्रिया, दूसरा है कोलम यानी पिलोन, तीसरा है कालीकट, चौथा है जैतून यानी चीन में। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इब्न बतूता है विश्व के 4 सर्वश्रेष्ठ बंदरगाहों का भी उल्लेख करता है, जिसमें सबसे पहला है अलेक्जेंड्रिया, दूसरा है कोलम यानी पिलोन, तीसरा है कालीकट, चौथा है जैतून। ठीक है,
ये भारत में घोड़ों की घोड़ों के बारे में जानकारी देता है कि भारत में चार प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं वगैरह वगैरह। इनमें जो है सोने की जो उनकी लगाम है वो कहीं पे सोने और चांदी का कारण भी इस तरीके का उल्लेख करता है। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनमें बदलता, इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं नेट में, कभी स्टेटमेंट के रूप में बन जाते हैं कि निम्न में से कौन कौन सा कथन सही है, कभी किसी तरीके से पूछा जाता है। तो हमें नेट के लिए जो है कोई भी टॉपिक जो है काफ़ी डीप से तैयार करना पड़ता है, उस उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, किस किस चीज़ों की वो बातें करा, तो कहीं से भी कोई ना कोई क्वेश्चन निकल के आ जाता है। तो जहाँ तक उम्मीद है इस इतनी बतौता से आपका बहुत सा टॉपिक या कोर्स जो है कवर हो जाएगा। इसको ध्यान से सुने, ध्यान से इसके नोट्स बनाए, और आप लोगों के सामने मैं आगे जो है तरह तरह की वीडियो या लेखकों से संबंधित जो है वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वही बात कि जमकर मेहनत करें, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इतनी सी बात है कि आई नो आई कैन, मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन कब, जब मैं करना चाहूँ। सो आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।